साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के फिल्मी करियर पर हमेशा के लिए ब्रेक लग गया है। ये तो आप सभी को पता होगा कि रिया चक्रवर्ती की फिल्म चेहरे के फर्स्ट लुक से रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह गायब कर दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही विवादों में घिरी रिया चक्रवर्ती को पब्लिक की नफरत के साथ ही ये सबसे बड़ी सजा मिल गई है। चेहरे के पोस्टर से ही नहीं बल्कि खबर तो ये है कि रिया को पूरी फिल्म से ही आउट कर दिया गया है और रिया की जगह क्रिस्टल डिसूजा से सारे सीन रीशूट कर दिए गए हैं। अब इस मामले को लेकर फिल्म मेकर, डायरेक्टर या स्टार कास्ट तो पूरी तरह खामोश है, मगर अब पहली बार चेहरे को लेकर, पब्लिक की नफरत को लेकर और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती ने अपना मुंह खोला है। तो क्या कहा रिया ने? जनता की नफरत और अपने करियर को खत्म होते देख क्या बोली रिया चक्रवर्ती, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो रिया चक्रवर्ती को अपने कर्मों की सजा मिलना शुरू हो चुकी है। सुशांत के साथ जो कुछ भी किया उसका खामियाजा रिया को करियर के हर मोर्चे पर लगातार भुगतना पड़ रहा है। एक तो रिया चक्रवर्ती को फिल्में मिल ही नहीं रही और जो फिल्में पहले से उनके खाते में थी वहाँ भी उनके सीन पर कैंची चल गई है। ताजा उदाहरण फिल्म चेहरे का है। फिल्म को दर्शकों की नाराजगी ना झेलनी पड़ जाए इसके चलते उनका चेहरा पोस्टर में यूज ही नहीं किया गया। हालांकि इसको लेकर प्रोड्यूसर आनंद पंडित और डायरेक्टर रूमी जाफरी के साथ साथ फिल्म की बाकी टीम ने भी चुप्पी साधी हुई है। उनकी तरफ से इस बात को लेकर कोई भी कमेंट करने को तैयार नहीं है, कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। अब चेहरे के फर्स्ट लुक को देखने के दो दिन बाद पहली बार खुद रिया चक्रवर्ती का इस पर सबसे बड़ा बयान आया है। तो दैनिक भास्कर में छपी खबर की माने तो स्पॉट बॉय की खबर में रिया चक्रवर्ती के दोस्त के हवाले से लिखा गया है। खबर में लिखा है कि रिया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा किया जाएगा। 2020 में रिया के साथ बहुत कुछ हुआ, एक महीना जेल में काटा, घर से निकलना बंद हो गया, हर तरफ जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहरा डाल दिया और तो और आसपास के लोग, फ्रेंड और रिश्तेदारों तक ने रिया और रिया के परिवार से नाता तोड़ दिया। रिया अब नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, उसे लग रहा था कि फिल्म चेहरे थिएटर में रिलीज होगी, दर्शक उनका काम पसंद करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा और दर्शक धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। चेहरे से तो रिया का चेहरा हटा ही दिया गया, वो भी रिया को बिना बताए। रिया चक्रवर्ती के दोस्त की माने तो ये खबर रिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वो लगातार रूमी जाफरी को कॉल कर रही है मगर जाफरी की तरफ से रिया को अब तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। रिया को अब धीरे धीरे समझ में आ गया है कि बॉलीवुड से उनका पत्ता कट चुका है और रिया का ये सोचकर रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अब मुंबई में रिया के लिए कुछ नहीं बचा। जब काम ही नहीं होगा तो रिया मुंबई में रहेगी कैसे। यहाँ आपको बता दे, हाल ही में फिल्म चेहरे का पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अनु कपूर, क्रिस्टल डिसूजा और यहाँ तक कि बंगाली फिल्म एक्टर धृतिमान चटर्जी को भी जगह दी गई। लेकिन रिया चक्रवर्ती का चेहरा पोस्टर से पूरी तरह गायब रहा। जबकि साल 2019 में रिया ने रूमी जाफरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए शूटिंग की थी और अपने फर्स्ट लुक को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट की माने तो अब ट्रेड के गलियारों में खबरें गर्म है कि रिया के बजाय क्रिस्टल डिसूजा से फिल्म रीशूट करवा ली गई है। रिया के द्वारा शूट किए हर एक सीन को क्रिस्टल डिसूजा ने रीशूट कर दिया है। ट्रेड पंडितों और सिने इतिहासकारों ने बताया कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी एक्टर का चेहरा और नाम पोस्टर पर नहीं हो। फिल्म में भी उनके ना होने के पूरे आसार हैं। वजह जाहिर तौर पर पब्लिक की वो नफरत है जो सुशांत की मौत के बाद रिया के खिलाफ निकली और अब भी जारी है। जनता की नाराजगी के चलते किसी भी एक्टर का स्क्रीन टाइम फिल्म से गायब किया जा सकता है और ऐसा बॉलीवुड में 28 साल पहले भी हुआ था। जी हाँ, 28 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 28 साल पहले रिया जैसा इंसिडेंट बॉलीवुड में हुआ था।
साल 1993 में एक्टर एके हंगल के साथ फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सिनेमा के जानकार बताते हैं कि उस फिल्म के रिलीज से ठीक पहले मुंबई में पाकिस्तान एम्बेसी वालों ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। उसमें एके हंगल को इनवाइट किया गया था और वो बिना कुछ सोचे समझे वहां चले भी गए थे। इसके बाद वो अगले दिन अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बन गए। लोगों ने उनके खिलाफ काले झंडे निकालकर प्रदर्शन किया और जनता की नफरत एकदम उबाल पर आ गई। इस बात पर सियासत भी बहुत गर्म हुई और बाला साहब ठाकरे की अगुवाई में एके हंगल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। हंगल की फिल्मों को बायकॉट करने का फरमान जारी कर दिया गया। ऐसे में परेशान मौजूदा प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने तुरंत फैसला लिया और हंगल का चेहरा पोस्टर पर जारी ही नहीं किया। इसके अलावा फिल्म में हंगल का सिर्फ धड़ ही धड़ दिखाया गया। तकनीक की मदद से उनके चेहरे को पर्दे पर दिखाया ही नहीं गया। तो अब माना जा रहा है कि ऐसा ही कुछ रिया चक्रवर्ती के साथ भी होगा, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है। पब्लिक की नाराजगी और सुशांत की मौत पर सियासत में गर्माहट उस वक्त से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। अब कहते हैं ना कि लकड़ी हमेशा उल्टी तरफ जलती है, मतलब आपके किए अच्छे और बुरे कर्म हमेशा आपके रास्ते में आते हैं। अगर अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलता है, और अगर किसी को बहुत सताया है, किसी के साथ बहुत चीट किया है, किसी को प्रताड़ित किया है, मारने की साजिश की है, किसी की संपत्ति को हड़पा है, तो वो सब भी आपको इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे इतिहास में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर मान लीजिए कि रिया चक्रवर्ती के फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लग चुका है। कोई भी फिल्म मेकर रिया के नाम पर अपना पैसा डुबोना नहीं चाहेगा, और इसी बात को लेकर रिया चक्रवर्ती का रो रो कर बुरा हाल है। सामने आया है कि रिया चक्रवर्ती के सीन्स भी कम कर दिए गए हैं और क्रिस्टल डिसूजा के सीन्स को बढ़ा दिया गया है। अब क्रिस्टल डिसूजा ने भी फिल्म को लेकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, और खास बात यह है कि इस पोस्ट में भी रिया चक्रवर्ती पूरी तरह गायब नजर आई। क्रिस्टल ने सबको टैग किया, अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अनु कपूर, रूमी जाफरी, मगर क्रिस्टल ने यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को टैग तक नहीं किया। यानी कि डायरेक्टर रूमी जाफरी पूरी प्लानिंग के तहत फिल्म को रिलीज के लिए उतार रहे हैं। रूमी जाफरी को बहुत अच्छी तरह पता है कि रिया चक्रवर्ती के नाम पर उनकी फिल्म को कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिल्म के पोस्टर से रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह गायब कर दिया गया है। वहीं अंदर की खबर ये है कि फिल्म में रिया चक्रवर्ती के सीन भी कट कर दिए गए हैं, रिया चक्रवर्ती के रोल को कम कर दिया गया है। यानी कि साफ है कि चेहरे फिल्म रिया चक्रवर्ती का नाम और पहचान छिपा कर रिलीज करने की तैयारी है। हालांकि रिया चक्रवर्ती फिल्म में है, मगर ये एक तरह से दर्शकों के साथ गेम खेला जा रहा है। फिलहाल फर्स्ट लुक पोस्टर पर रिया को जगह नहीं दी गई है, ना ही उन्हें कहीं पर भी टैग किया गया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती इस फिल्म में काम कर रही है ये सबको पता है। और रिया चक्रवर्ती पर कितने संगीन आरोप है और रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस किस कदर खफा है ये भी सबको पता है। तो चेहरे फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमा घरों में उतरेगी। अब आप खुद तय कीजिए कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी, ये आप खुद तय कीजिए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।